नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत में हो रही गतिविधियों की जानकारियां और साथ ही आपको बताते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में भी। तो आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, साथ ही किस प्रकार वहाँ के जो किसान हैं इसके प्रति जानकारी लेकर जागरूक हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। आने वाले जो अभी खरीफ की बुआई है, खरीफ के जो सीजन है, उसके लिए एक संकट की स्थिति बनी हुई है और इसी संकट से कैसे निपटा जाए इसके लिए दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्र लगातार प्रयासरत है और इसी से संबंधित बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर पीके गुप्ता जी, जो दिल्ली कृषि विज्ञान केंद्र के हेड हैं। मुख्य रूप से अभी जो खरीफ में लगाने का सीजन है धान है। धान की बुआई अधिकतर किसान नर्सरी में करते हैं, पौध लगाते हैं, उसके बाद उसको स्थानांतरण करते हैं मुख्य फसल में, जिसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग इंग्लिश में बोलते हैं। लेबर जो दिल्ली में थे, हरियाणा में थे, पंजाब में थे, कहीं भी थे, ये लोग अपने अपने जो जन्म स्थल थे, नेटिव प्लेस थे, वहाँ पर चले गए हैं। तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि वह इस जो धान की रोपाई है, अगर लेबर नहीं है तो वह कैसे करेंगे। हमारे नॉलेज में आया, हमारे वैज्ञानिक ने, हम लोगों ने मिलके इसको प्रयास किया कि बहुत सी विधि, वैज्ञानिक विधि निकली हुई है, पूसा ने भी निकाला हुआ है कि धान की सीधी बुआई कैसे की जा सकती है। इसमें डेपोक है, डीएसआर विधि है, लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली में समय काफ़ी कम है, मशीनें आ नहीं सकती हैं, ना मशीनें उतनी उपलब्ध हैं, तो हम लोगों ने दिल्ली के किसानों को सीधी धान की बुआई कैसे की जाए इस पर हम लोगों ने पैकेज और प्रैक्टिसेज बनाए हैं, तकनीकी बनाए और हम लोग किसानों को दे रहे हैं। आज से हम लोगों ने एक अभियान चलाने का प्रयास किया है कि जितने धान बुआई के गांव हैं, जैसे गालीपुर है, मणिकपुर है, सारकपुर और भी गांव हैं, वहां पे किसानों को जाके समझाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि सीधी बुआई से धान का किसानों के लागत में और उत्पादन में जो मुनाफा है, मुनाफा उनका कहीं अधिक है और किसानों के लिए काफ़ी यूजफुल है। अब इसमें क्या कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा, जो भी मशीन निकला हुआ है, हालांकि दिल्ली के पास मशीन नहीं है, दिल्ली किसानों के पास, ये लोग हरियाणा से व्यवस्था करेंगे और अच्छा करेंगे। आज हम लोगों ने गालीपुर में एक मीटिंग किया था इसी अभियान के तहत, सभी किसानों को बताया था, जिसमें 25 से 30 किसान थे, कि बीज की बुआई कैसे करें, मृदा परीक्षण करें, धान कब लगाएं, किस प्रजाति का लगाएं, अगर खरपतवार आता है तो उसको कैसे रोकने का प्रयास करें। तो लोगों ने काफ़ी इसका प्रयास किया और 2-4 एकड़ हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाने जा रहे हैं ताकि किसान मोटिवेट होकर, परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थिति के अनुकूल लोगों को ढलना पड़ता है, उसी ढलने के कारण ये भी तकनीक है। हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र बहुत दिनों से इसकी परिचर्चा कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन आज किसान को समझ में आए कि नहीं, मैकेनाइजेशन धान का किया जाना चाहिए, बुआई किया जाना चाहिए, तो किसान इसके लिए तैयार हैं और हम लोग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये तो रहा सारे सवाल हरियाणा और पंजाब के किसानों की। अब यहाँ से जो लेबरर्स हैं, आपने जैसे बताया कि अपने राज्यों में चले गए हैं, तो वहाँ पर एक सरप्लस स्थिति बन गया है। वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे और उसके बाद इतने लोग वहाँ पर और चले गए हैं, तो वहाँ पर जो एक समस्या अलग टाइप से क्रिएट हो गया है, उसको किस रूप में देखते हैं? जी, आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है और ये मानव का जो श्रम है उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए ताकि हमारे जो श्रमिक हैं उनको आमदनी भी होता रहे, वो जीवन यापन भी कर सकें और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें। एक्चुअल में ये बहुत विकट समस्या है कि आज तक जो भी हमारे कार्यकर्ता थे, कुशल श्रमिक थे, अकुशल श्रमिक थे, विभिन्न फैक्ट्रियों में, एग्रीकल्चर फैक्ट्री में किसानों के यहाँ काम भी करते थे, वहाँ चले गए हैं। एक समस्या तो आएगी, लेकिन निश्चित ही इसका समाधान निकलेगा लोकल परिस्थितियों के अनुसार से। जो मजदूरी का लोग बोलते थे, आजकल मजदूरों का किसान काफ़ी हायर जा रहा है, मैकेनाइजेशन किया जाए, तो इस परिस्थितियों में मैकेनाइजेशन करने की परिस्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होगी एग्रीकल्चर में। लेकिन यस, जो आपकी परेशानी है, जो फार्मर फैमिली है, जो किसान फैमिली में, उसमें ये परेशानी आएगी, तो उसको भी धीरे धीरे सरकार के माध्यम से, और सरकार ने इस समय उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काफ़ी पैकेज प्रैक्टिसेज अभी उन्होंने अनाउंस किए हैं, वित्त मंत्रालय ने किए हैं, तो उसका निश्चित ही उनके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और जो लोकल अधिकारी हैं, राज्य सरकार के अधिकारी हैं, कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन जो कुशल अकुशल श्रमिक हैं उनको अच्छा से अच्छा सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र का भी एक अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है 20 लाख करोड़ रुपये की, जी। आप उसको किस रूप में देखते हैं, कितना इसे किसानों को फायदा होने वाला है? जी, इसका निश्चित ही फर्क पड़ेगा
और डायरेक्टली विभिन्न स्कीम के तहत आपको बताऊंगा कि जो कोविड-19 है इसमें लगभग 2 महीना तक पूरा भारत बंद है, डिफरेंट लॉकडाउन में, आज हम लॉकडाउन 4 में हैं, लेकिन कृषि के लिए लॉकडाउन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। हालांकि परेशानियां हुई है, भारत सरकार ने काफ़ी प्रयास किया, राज्य सरकार ने भी किया है कि जो किसानों के लिए जो सुविधाएँ चाहिए, उनको जो संसाधन चाहिए, जो भी एक्टिविटी चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से, वो भी देने का प्रयास किया। उसके रीज़न है कि अगर किसान ने उत्पादन किया है तो हम चाहे किसी भी अधिकारी लेवल पे, वो खाने पीने के लिए उनको सब मिल रहा है, अन्यथा अगर किसान के लिए रिस्ट्रिक्शन होता तो हम सभी को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। तो भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो आर्थिक पैकेज दिया है, निश्चित रूप से उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। उनको उन्होंने ये भी दिया है कि FPO कैसे बना सकते हैं, अपने संसाधन कैसे मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से उत्पादन बढ़ा सकते हैं विभिन्न वैराइटीज़ का। लेकिन यस, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन में मैकेनाइजेशन के ऊपर काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, निश्चित ही हमारे भारतीय किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और भारत के कृषि का उत्थान होगा ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में, और आगे इनका भविष्य भी अच्छा रहेगा। 2022 नज़दीक है, आने वाला है, और प्रधानमंत्री का भी सपना है कि किसानों की आय डबल हो, तो ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ के पैकेज है, ये क्या 2022 तक किसानों की आय डबल करने में कुछ सहूलियत पहुंचाएगा? जी, निश्चित ही ये जो पैकेज है, जो भारत सरकार की जो मंशा है कि 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दूनी की जाए, आमदनी दूना करने में निश्चित जो आर्थिक पैकेज जो भारत सरकार ने अभी घोषणा किया पिछले वीक में, निश्चित उसके लिए सार्थक रहेगा। और उसको हालांकि जो कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत सरकार ने प्रकाश किया, अगर वो 80% अचीव कर रहे थे तो इस पैकेज के माध्यम से 100% कर सकते हैं। एक चीज़ और, आमदनी बढ़ाने के लिए या तो हम अपने इनकम बढ़ा लें या जो हमारा एक्सपेंसेज हो रहा है उसको मिनिमाइज कर लें, कम कर लें। तो कम करने में जो मैकेनाइजेशन वाला, उससे पहले कुछ लोग बोलते थे कि लेबर से काफ़ी खर्चा बढ़ रहा है, उसको कैसे मैकेनाइज किया जाए, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छा मिला है और निश्चित ही इसका इफेक्ट पड़ेगा भारतीय इकोनॉमिक पे। और आपको बताऊँगा कि भारतीय इकोनॉमी जो अभी सर्वे आ रहा है कि जो GDP का है, GDP 4% से कम होने वाला नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में, अदर सेक्टर में भले ही डिटोरिएट हो, बिकॉज भारत सरकार ने जो परियोजनाएं चलाई हैं, जो लॉकडाउन में जो किसानों को सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया, उसका निश्चित ही हमारे भारतीय इकोनॉमी में कृषि का क्षेत्र का निश्चित ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो भारत के 2022 में जो इनकम की बात है किसानों का, निश्चित ही उसका 100% सफल इफेक्ट आएगा। भारत की जो राजधानी है दिल्ली है, वहाँ में एक ही मात्र कृषि विज्ञान केंद्र है और उसका आप ही हेड हैं जी, इसके नाते आप भारत के और भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ पर क्या सर सुझाव देना चाहते हैं, क्या वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्रों को सुझाव देना चाहते हैं जिससे किसानों के ऊपर जो जिस तरह से स्थितियाँ बन रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सके? जी, आज के तारीख में जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, पूरे भारत में 717 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, और जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत वो मॉनिटर होते हैं और DDG उसके हेड होते हैं। दिन प्रतिदिन सर्कुलर आ रहे हैं कि किसानों का किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो उनके पास जाइए, मोबाइल ऐप का यूज कीजिए, ICT एप्लीकेशन का यूज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको बताने का। सभी कृषि विज्ञान केंद्र इन परिस्थितियों में भी अपने जान को सुरक्षित रखते हुए, किसानों को सुरक्षित रखते हुए, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, चाहे मास्क लगाना, उसको करके काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे रेडियो TV पे। तो इस तरह से जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी हमारे स्टाफ हैं, किसानों के विकास के, ताकि उत्पादन का कहीं इफेक्ट ना हो, किसानों का कहीं नुकसान ना हो, दिन प्रतिदिन 24/7 में हमारे जो भारत के जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, किसानों के कृषि के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी जो वर्तमान में देश में नहीं पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसमें सरकार ने कृषि के क्षेत्र में जो कार्य है उसमें करने के लिए ढील दी है, फिर भी जो वर्तमान परिदृश्य है, जो दिल्ली के आसपास के राज्य हैं और दिल्ली में जो खेती योग्य जमीन है जहाँ पर धान की खेती होती है खासकर, और कुछ क्षेत्रों में सब्जियों की खेती होती है, इस अवस्था में सबसे ज़रूरी है कि हमें एग्रीकल्चर इनपुट्स के अलावा जो महत्वपूर्ण है वह है फार्म लेबर का, जो कृषि लेबर है, मजदूर है, उनका बहुत बड़ा सहयोग होता है, जो कि इस परिदृश्य में जो हमारा लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है इसमें जो जो कृषक मजदूरों का जो पलायन दिनों पर दिन जारी है उसको ध्यान में रखते हुए
क्योंकि हमारा जो क्योंकि बिना कृषक मजदूर के हमारा कोई भी कृषि कार्य जो है संपन्न नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में किसान क्या करें, इन सारी चीज़ों पे हम आज गालीपुर गांव में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किए, जिसमें हम इस विषम परिस्थिति में कम से कम मजदूरों के साथ, जैसा कि हम लोगों ने सर्वे के आधार पर ये पाया है कि 75 से 80% तक मजदूर है जो है आज की स्थिति में यहाँ से दिल्ली से बिहार और यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश जहाँ से भी जो मजदूर थे वो पलायन कर चुके हैं। उस स्थिति में किसान भाई क्या करें, इन सारी चीज़ों पे आज चर्चा हुई है, जिसमें हम कम से कम मजदूरों के साथ और अधिक से अधिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करके हम कृषि को कैसे सुचारू रूप से कर सकते हैं, कैसे हम इसको अच्छा तरीके से अपना सकते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें जैसा कि आपको धान के बारे में जो कि कम से डायरेक्ट सीडेड DSR जो तकनीकी है उसके माध्यम से जो बिना मतलब उसमें मशीन के द्वारा सीधे जैसे हमें धान की रुपाई में मजदूर की ज़रूरत पड़ती है, इसमें बिना मजदूर के हम मशीनों के माध्यम से सीधे धान की बुआई करते हैं, तो इसमें हमें लेबर की कम जरूरत पड़ती है। वैसे ही बहुत सारे ऐसे फसल हैं, जैसे हमारा सब्जियों का है, सब्जियों में हम वीडिंग की मशीन ऐसी ईजाद की गई है जो कि स्वचालित मशीनों के द्वारा ही हम उसमें खरपतवारों का नियंत्रण करना, स्प्रेयर का ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर का इस्तेमाल करना, ऐसी संभावनाओं को हमें किसानों के साथ इस चर्चा के दौरान हमने साझेदारी की कि हमें कम से कम मजदूरों को ध्यान में रखकर हम अधिक से अधिक उत्पादन इस परिस्थिति में कैसे ले सकते हैं। साथ ही साथ इस कार्य को करते हुए हमें बेहद ज़रूरी है सावधानी रखना, क्योंकि एक दूसरे एक आपस में जो सोशल डिस्टेंसिंग का है उसको भी बना कर रखना है। साथ ही साथ हम जो भी यंत्र है, मशीन है या जो भी हम एग्रीकल्चर का इनपुट इस्तेमाल करने के पश्चात हम हाथों को अच्छी तरह से धुलाई करें और सैनिटाइज़र का बराबर इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि हम सुरक्षित रहते हुए खेती में अच्छा काम कर सकें और कम से कम मजदूरों की अवस्था में हम ज़्यादा से ज़्यादा कृषि यंत्रों का प्रयोग करके हम अपने किसान कृषि को सुचारू रूप से जारी रख सकें। किसान भाई, इस धान की खेती करने के लिए डायरेक्ट सीडी राइस से जो धान की सीधी बुवाई है उसमें जो प्रजातियों का जो सिलेक्शन करेंगे उसमें पूसा 1509, पूसा बास, पूसा सुगंध 5, इस तरह की वैरायटी हैं उनका सिलेक्शन करें जो वैरायटी कम समय में पक जाती हैं और एकदम उपज देती हैं। सबसे पहले आता है कि इसमें तक खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले एक गहरी जुताई करें, उसके बाद 3-4 जुताई जो हैरो या कल्टीवेटर से करें और खेत को समतल कर लें। खेत को जब समतल कर लेंगे तो उसमें जो बुवाई है उसमें समान रूप से जो है अंकुरण होगा बीज का और अधिकतम स्वस्थ पौधे होंगे उसमें। और उसके बाद उसमें किस प्रकार का खरपतवार प्रबंधन करें, तो खरपतवार प्रबंधन बहुत बड़ी समस्या है इसमें, किस तरह से करें किसान भाई, तो उसके लिए है कि बुवाई के 1 से 3 दिन बाद पेंडामेथिलीन का स्प्रे करें। इस स्प्रे से जो खरपतवार जो उगने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जब खरपतवार 20 से 25 दिन बाद फिर दिखाई दें खेत में तो फिर उसमें उसके बाद जो है नॉमनी गोल्ड का स्प्रे करें, और उसका जो है 25 ग्राम पर हेक्टर के हिसाब से सक्रिय तत्व का स्प्रे करें। इससे खरपतवार को सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सकता है। और उसमें एक समस्या आती है जो पौधे पीले पड़ जाते हैं और जो बुवाई के बाद में, और उसकी समस्या जो है वो मुख्य रूप से आयरन की कमी के द्वारा होती है, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए 0.5% फेरस सल्फेट का स्प्रे करें। मैं राम कुमार, गाँव गालियापुर, एक प्रगतिशील किसान हूँ। आज से करीब 2 महीने पहले कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारा यहाँ उजवा में स्थापित है, तो उनके इंचार्ज डॉक्टर PK गुप्ता जी के पास में गए और हमने जो आने वाली समस्याएं हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया। मेन हमारी समस्या जो थी वो ये थी कि जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है देश में, तो सारे के सारे जो श्रमिक हैं वो अपने गांव चले गए हैं, काफ़ी दुखी होकर के, वो जाना भी नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरी थी उनकी, जहाँ रोज़गार छोड़ कर के जाना पड़े तो दुख तो होता ही है, लेकिन इस महामारी ने सबको इधर उधर कर दिया है और काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। तो इसके बारे में हमारी बातचीत
डॉक्टर गुप्ता जी से ये हुई थी कि हम क्या करें इस बारे में, किस तरह से, क्योंकि बगैर श्रमिक के तो हमारा काम पूरा नहीं हो पाता। जैसे धान की जो अभी रोपाई है वो सिर पे है, और बगैर श्रमिक के ये काम पूरा हो नहीं सकता। घर के आदमी कितने लगाएंगे, उनको आदत भी नहीं है, उनके लिए तो बड़ी मोटी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गुप्ता जी ने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो आज इसी विषय के ऊपर गोष्ठी थी हमारे गांव के अंदर, और कृषि विज्ञान केंद्र से कई डॉक्टर हमारे पास में आए। उन्होंने, जैसे डॉक्टर राकेश कुमार हैं, वो काफ़ी पुराने हैं हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में, काफ़ी लोगों को जानते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि प्यौ तैयार करके हम रोपाई करें, ये ज़रूरी है तो, लेकिन अब हालात के मुताबिक बुआई से ही काम चलाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने पूरे के पूरे तरीके हमें बताए किस तरह से बीज को ट्रीट करना है, कैसे ज़मीन तैयार करनी है, कैसे बुआई करनी है, कितना बीज डालना है, और फसल उगने के बाद में क्या क्या उसमें प्रिकॉशन लेने हैं, जैसे खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या क्या दवाइए, कब कब किसनी मात्रा में, सारा का सारा बहुत ही अच्छे तरह से समझाया। हमें थोड़ी सी अब उम्मीद बंधी है कि इस बुरी हालत में भी शायद हम खेती कर पाएंगे और देश की सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम राकेश है, मैं गांव गालिमपुर निवासी हूं दिल्ली से, और कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के डॉक्टर साहब हमारे पास आते रहते हैं, कोरोना के बारे में भी समझाते हैं, और किसान खेती के बारे में भी, धान लगाना और दवाइयों के बारे में भी टाइम टू टाइम आते रहते हैं, और यह सीधी बुआई के बारे में बताया है। मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए हमारे को सीधी बुआई के बारे में बताया, जो मशीनों से बुआई होगी, आने वाले टाइम में हमारे को भी समस्या ना हो, अच्छी तरह समझाया हमारे। तो इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। ये क्या हो रहा है? हम्म, काश्वी, इतने कम मार्क्स? काशु बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोग, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ, पर हम तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे किसानों की प्रतिक्रिया और बताते हैं कि किस प्रकार हमारे किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा, ग्राम व पोस्ट बनके गांव, तहसील कालीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो महामारी कोरोना वायरस नामक महामारी चल रही है, उसके बारे में मोदी जी का जो भी कार्यक्रम लॉकडाउन बंदी रही है, वो तो हमारे लिए समझ लीजिए कि रामबाण औषधि की तरह रही है।
और जो भी हुआ है उसके द्वारा जो भी फायदे हैं अभी तक हमने देखा है कि कई सारे देशों में जो है लाखों की संख्या में 10 लाख की संख्या में पहुंच गया, और हमारे यहाँ इतना पॉपुलेशन होने की वजह से भी अभी हम 50,000 तक ही सीमित हैं। और इसके बारे में हमको जो जितनी भी जानकारी दी जा रही है उसका हमको सक्रियता से पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आगे जैसे ही आगे वाले देशों के साथ हो रहा है वही पीछे हमारे साथ होता चला जाएगा, और उनके पास तो संसाधन भी ज़्यादा हैं, वो रोक ना पाएंगे, हमारे पास तो संसाधनों की कमी है, हम रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही चारा है, लॉकडाउन बंदी। हम उसके तरफ से, मोदी जी की तरफ से बिल्कुल एकदम सक्रिय हैं और उनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जान है तो जहान है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि पेपरमेंट की खेती हम बीते 5 सालों से कर रहे हैं, जिसमें कि पेपरमेंट एक ऐसी फसल है जो हमारे खेत खाली होते हैं, गेहूं वगैरह के हुए खाली, उसके बाद सरसों बोई हमने, वो सारे खेत खाली जब होते हैं उस खेतों में हम खाली की वजह से बीच में कोई हमको वो नहीं मिलता था, गेहूं कट गया वो बिक गया, कोई इनकम नहीं बचती थी किसान के पास में। तो हमने सोचा कि क्या नाम किया जाए कि पेपरमेंट की खेती की जाए। पेपरमेंट की खेती में होता है ये कि एक एकड़ में लागत लगभग मान के चलिए कि 12,000 से 14,000 रुपये आती है, और कुल इनकम उससे मिल के जो आती है वो लगभग 50,000 रुपये के करीब में आती है। तो एक किसान के लिए छोटी सी इनकम वो मिल के आती है, लेकिन उसका परिवार चलाने भर के लिए बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। तो उसको किसी के पास भटकना नहीं पड़ता है कि बैठे वाले सीजन खाली सीजन में, तो उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और हम ये चाहेंगे कि सभी किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने खाली खेतों में मेंथा लगाएं और अच्छे से उसकी खेती करें। हाँ, मेंथा में इस साल जो है महामारी की वजह से दिक्कत आई, हमको बहुत सारी दिक्कतें आई, जैसे लेबर की समस्या है और सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम भाई एक साथ ग्रुप बना के काम नहीं कर सकते हैं, वो सही बात है, लेकिन फिर हमने घर वाले हम मिल के जो है अपना काम इकट्ठा किए, शुरू किए और पूरा किए काम, अच्छे से सफाई हो गई है, खाद पानी भी जो पड़ना है पड़ गया है, अब इससे जो भी निकल के आना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को एक मुहिम चलानी चाहिए इसके लिए कि भाई मेंथा की तैयार फसल आई, उधर बारिश आ गई जुलाई के महीने में, जून के महीने में 22 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है, हमारी मेंथा जब स्टार्ट होती है वो पकाने के लिए किसान उसका तेल निकालने के लिए प्रोसेस जब तक शुरू करता है उससे पहले बारिश आ जाती है, बारिश से हमारी फसल नुकसान हो जाती है। उसके लिए हम एक अनुरोध करेंगे ये अधिकारियों से कि उसके लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई जो भी फसल नुकसान हो रही है उसके लिए एक अलग से कोई किसानों को वो दिया जाना चाहिए कि ताकि वो मान लीजिए नुकसान पूरा नहीं मिल रहा तो उसको लागत तो मिल जाए उसके नुकसान की, अगर लागत मिल जाएगी तो किसान का थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि फसल बीमा से जोड़ा जाए, फसल बीमा से इसको जोड़ा जाए और जो भी इसके बारे में हित बन सके किसानों को वो दिया जाए, क्योंकि किसान जब आगे आएगा तभी देश का विकास संभव है, और देश का विकास होगा तभी जो है आगे हम लोग बढ़ पाएंगे। लॉकडाउन से हमें यह फायदा हुआ है कि हमारे सभी जैसे सभी परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का अच्छा विकास हुआ है, ऐसी जो है जान बची है, इसलिए मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कर देता हूँ। मैं खेती मेंथा उर्द सब्जियाँ सभी प्रकार की उगाते हैं हम लोग, और जो है अरे इसे हम लोग अब कहने का मतलब है अपना खाने में तो खाने पीने की चीज़ें सभी वस्तुएँ उगाते हैं, थोड़ा बहुत बिक्री भी कर लेते हैं, बस यही और क्या करते हैं। नमस्कार, मैं राम कुमार वर्मा बनके गाँव तहसील काजीपुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो आप सबको तथा अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लॉकडाउन किए हैं, इससे देश की बहुत बड़ी भलाई हुई है, अन्य देशों की अपेक्षा यहाँ कम मरीज हुए हैं, तमाम फैसिलिटी है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई
कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का किसान भाइयों बहनों फिर से स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि विश्व भर में कोरोना महामारी के चलते काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और हमारे देश में भी लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में भी हमारे किसान यानी कि आप लोग खेतों में कार्य कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप कुछ मुख्य सावधानियाँ ज़रूर बरतें। अगर आप पशुपालन के काम से जुड़े हैं तो काम करते समय कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। जानवरों के बाड़े को समय समय पर साफ करते रहें। दूध निकालने से पहले और बाद में हाथों को अच्छी तरह से धोएं और आसपास कहीं भी थूके नहीं। अगर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी न मिले तो हाथों को अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर से साफ करें। पशुओं के रहने के स्थान पर लोगों को आने जाने न दें। पशुओं के खाने के स्थान को साफ रखें। साथ ही पशुओं की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें। दूध के केन में दूध भरने से पहले उसे अंदर और बाहर से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। बिना वजह किसी वस्तु को छूने से बचें। दूध बेचने के स्थान पर भीड़ जमा न होने दें और दूध बेचते समय दूसरे व्यक्ति से 5 फुट की दूरी बनाकर रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करें। साथ ही बार बार नाक और आंखों को न छुएं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, और साथ ही खेती किसानी से जुड़ी जानकारियों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का भी। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।